ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम लिंगा में चोरों ने एक सोने मकान पर बोला दावा। सोने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी 95,000 की चोरी कर हुए फरार। लालबरा में सरकार की ब्याज माफी योजना में बाधा बन रही सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल। ऋण माफी योजना का लाभ लेने पहुंच रहे किसान हो रहे परेशान। समितियों में लटके ताले को देखकर बैरंग वापस लौट रहे किसान। नगर के वार्ड नंबर 22 गणेश विहार के रहवासियों ने बिल्डर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वादों के मुताबिक सुविधा नहीं मिलने पर फ्लैट वासियों ने जताया विरोध। सोसाइटी अध्यक्ष नहीं शुरू की भूख हड़ताल, समर्थन में आए रहवासी। अड़तीस करोड़ की नल जल योजना के बावजूद भी पानी को तरस रहे लोग। कई वार्डों में चार दिनों से नहीं मिल रहा पानी। पीने के पानी के लिए मटका फोड़ आंदोलन करने की तैयारी में जुटे कांग्रेसी पार्षद। सीएमओ के कार्यालय में ताला जड़ने की भी दी चेतावनी। नगर के अंबेडकर चौक स्थित पुरातत्व संग्रहालय में मनाया गया विश्व संग्रहालय दिवस। कॉलेज के छात्र छात्राओं को पुरातत्व व संग्रहालय की दी गई विभिन्न जानकारियां। आयोग अध्यक्ष के आश्वासन के बाद भी जारी रही सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों की मांग अब तक नहीं हुई पूरी। भोपाल पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा देने की बनाई रणनीति। बरवेली क्षेत्र के ग्राम अमेड़ा में दो दिन से लापता व्यक्ति की उसी के घर के कुएं से बरामद हुई लाश। कुएं में गिरने से मौत होने की जताई जा रही संभावना। मर्ग कायम कर बरवेली पुलिस ने शुरू की जांच। कालीपुत्री चौक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आम आदमी के प्रदेश प्रभारी को जात महापंचायत में किसानों के हित की बात करने पर रोके जाने का था मामला। कृषि मंत्री के खिलाफ स्लोगन लिखित तख्तियां लेकर दर्ज किया गया विरोध। लालबरा के अमोली से रामजी टोला पहुंच मार्ग गड्ढों में हुआ तब्दील। आवागमन में हो रही परेशानी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण करवाने की रखी मांग। चांगोटोला थाना के अंतर्गत लामता रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास चलती मोटरसाइकिल के ऊपर कूदा बंदर। मोटरसाइकिल में सवार पति पत्नी से तीन लोग हुए घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना के तहत जिले के 42,000 किसानों में से महज 6,000 किसानों ने किया आवेदन। गुरुवार को था मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना का आखिरी दिन। नगर के गोंदिया रोड स्थित नए राम मंदिर में बह रही है ज्ञान की गंगा। दिव्य आध्यात्मिक प्रवचन व रसमय संकीर्तन सुनने भक्तों का उमड़ा चन फैला। वाराणसी के राजा भोज शासकीय कृषि महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पहले दिन मैदान में दौड़ी 110 बैल जोड़ियां। वाराणसी नगर में पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड नंबर 1 भैरोगंज वासी। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर वार्डवासी कर सकते विधानसभा चुनाव का बहिष्कार।